गुजरात में कल पहले चरण की वोटिंग होगी और कुछ ही घंटे बाकी हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं, और उससे पहले लोग किस तरफ देख रहे हैं, लोगों का रुझान किस तरफ हो रहा है। महज कुछ घंटे पहले वोटिंग से महज कुछ घंटे पहले का रुझान मैं आपको दिखाता हूं। क्या लग रहा है वोटिंग में? अब कुछ ही घंटे बचे हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं कल आप? हैं, तो क्या देख रहे हैं इस बार गुजरात के अंदर? पता नहीं अभी क्या होगा। तो रुझान जो है वो किस तरह से खुला दिख रहा है वो भी एक चीज देखने वाली है। हाँ, तो थोड़ा अच्छा आप भी बताइए ना, क्या वोट के लिए जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, रुझान किस तरफ होगा? दोनों तरफ है अभी, तो अभी दोनों तरफ है। ठीक है, वोटिंग के लिए जाएंगे आप भी? वोटिंग के लिए जाएंगे। क्या देख रहे हैं, रुझान किसका लग रहा है? सामेड़ा, आम आदमी। ठीक है, आप बताइए किसका रुझान लग रहा है? आदम। ठीक है, अच्छा वोटिंग के लिए आप लोग नौजवान हैं, निकल रहे हैं इस बार, तो क्या देखेंगे? देखेंगे कि कौन सी सीट है, कौन सा जिसको मत देंगे वो आगे काम करते हैं या नहीं करते हैं। फिर सोचेंगे कि अगली बार किसको चुनाना है। वैसे तो हर बार हर कोई वादा करके मुकर जाते हैं, फिर इस बार देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। क्या देख रहे हैं नौजवान आप, क्या किसको देख रहे हैं इस बार? इस बार हम परेश भाई को देख रहे हैं। अच्छा जी, ये कौन से पार्टी से? इधर कांग्रेस। इधर कांग्रेस, धानाणी। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुके, आप तो आ गए हैं, सरकार किसकी आ रही है? मोदी की आएगी भाजपा की आएगी। ठीक है, तो देखिए टटोलने की कोशिश करते हैं, क्या देख रहे हैं वोटिंग के लिए जाएंगे? वोटिंग के लिए क्या देख रहे हैं, सरकार किसकी देख रहे हैं? वो तो पता नहीं। ठीक है, सरकार किसकी देख रहे हैं? सरकार किसकी भी आए, लेकिन विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए। विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए, तो कौन मजबूत करेगा विरोध पक्ष? पब्लिक करेगा, कौन करेगा? तो भाजपा आवे छे कि कांग्रेस आवे छे? जी आवे थे, अजी तो नक्की नहीं ने। बाजी बाल हॉस्पिटल में दाखल छे, जरा बाल बाला गांव से जरा घर पर पड़ से एक बाबू आवे। हिंदी बोल पाए तो? हां, अभी पेशेंट हॉस्पिटल में है। जब आएगा जब पता चलेगा तब होगा लड़का या लड़की आई। अच्छा इससे पहले कहाँ जगह बाबूजी कह रहे हैं कि अभी तो जो है पेशेंट हॉस्पिटल में बच्चा जो है वो आया नहीं है। अभी तो बच्चा जब वो हो जाएगा तब पता चलेगा लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। अभी तो जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो जब बच्चा हो जाएगा तब बता पाएंगे किसको क्या हुआ है। तो गुजरात में चुनाव किस तरह का है, कैसे है वो आप देखिए। चुनाव क्या लग रहा है, वोटिंग के लिए जा रहे हैं? क्या देख रहे हैं इस बार? क्या देख रहे हैं? आएगा वो आएगा, भाजपा आएगा। देखिए ज़्यादा लोगों से मेरी पूछने की कोशिश है ताकि एक जो है राय निकल कर के आ सके। क्या नाम हुआ आपका? विजय। क्या देख रहे हैं, वोटिंग के लिए जा रहे हैं? अभी तो मेरा तो 18 साल है, अभी नहीं बना है। नहीं बना, अभी 18 साल की उम्र नहीं हुई है। 18 ही हुई है। तो घर में परिवार में क्या सोच रहे हैं, मम्मी पापा और जो परिवार के लोग हैं क्या सोच रहे हैं इस बार? कुछ नहीं, वोट देंगे। किसको देंगे? वहीं जाके वीएम मशीन के सामने खड़े होके पहले सबको देख लेंगे। हाँ। फिर बाद में देंगे हम। तो अभी क्या सुन रहे हैं लोगों के अंदर, भाजपा सुन रहे हैं कि कांग्रेस का सुन रहे हैं? किसका? दोनों का सुन रहे हैं। चुनाव गुजरात का वो वैसा है ही नहीं जैसा दिख रहा है, जैसा बताया जा रहा है 150 पार, 120 पार, 140 पार। जितने लोगों से हमने पूछा है उनमें से लोगों ने क्या कहा है वो आपके सामने है। क्या नाम है? अरे रुको, देख तेजी में निकल गए। तो यही कोशिश है कि मैं अलग अलग लोगों से, ये भैया एक नया आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? अरे रुको, हैं रियाज। रियाज, वोटिंग के लिए जाएंगे? हाँ। क्या देख रहे हैं इस बार, सरकार किसकी देख रहे हैं, भाजपा की कांग्रेस? पता नहीं। फिर भी थोड़ा परिवार में क्या सुन रहे हैं? कांग्रेस का सुन रहे हैं। ठीक है, हाँ क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? गुटखा लगाया है? हाँ नहीं बोलेंगे। तो ये अलग अलग वोटर है, देखिए बाबूजी जा रहे उधर से, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ज़्यादा लोगों की राय जो है वो आपको सुनाऊँ। हाँ बोलो। क्या बाबूजी क्या दिख रहा है चुनाव में? हाँ वो तो भाजपा आएगा। ठीक है, तो ये आखिरी का समय है इस वक्त में, तर्क वितर्क नहीं बल्कि आखिरी के समय में लोगों की जो राय है, लोगों का जो मन है, केवल उसको टटोलने भर की कोई बात है। तो देखिए यहाँ पर जो है चक्री घूम रही है, क्या क्या बनाते हैं इससे? इससे धागा बनता है। धागा बनते हैं? हाँ। अच्छा, ओ काइट के लिए, पतंग के लिए ये चरखी। हाँ हाँ,
तो पतंग तो फेमस ही बहुत है गुजरात में, है ना? वो तो यहाँ का त्योहार है ना। ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव में, क्या लग रहा है इधर? कुछ पता नहीं चलता सर जी, किसकी पतंग कटेगी किसकी उड़ेगी वो तो कल ही पता चल जाएगा, 8 दिन के अंदर पता चल जाएगा। उसको रस है वहाँ। रुको रुको रुको, एक मिनट, आ रहे हैं रुको। या भाजपा आएगा या कांग्रेस आएगा, दो में से एक तो आई गई। तो चुनाव दोनों तरफ है, एक तरफा नहीं है चुनाव? दोनों तरफ ही है। ये देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है, हाँ बोलिए। सबकी पतंग अभी चली, किसकी कटेगी वो 8 तारीख को मालूम होगा। अरे क्या कह रहे, क्या कह रहे बताओ? वो तो सोनिया गांधी वाला है। अच्छा, हाँ सोनिया गांधी का बड़ा बेटा है। आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं। अरे आपने बोला है, आपने बोला कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। आपने आपने बोला कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। क्या नाम है सोनिया गांधी के बड़े बेटे का? सोनिया गांधी राहुल गांधी है ना, बड़ा बेटा राहुल गांधी है। तो गुजरात में, खैर चुनाव में क्या लग रहा है, छोड़िए चुनाव में क्या लग रहा है। चुनाव में तो वही तो ऐसा लगता है कि लाकड़ा की पोल और माणा का पेट दोनों की कोई ख्याल नहीं आते हैं साहब जी। लाकड़ा की पोल और माणा का पेट तो क्या बता जरा? जो माणस ना पेट में सू हुई कहीं खबर न पड़े, तपाईसा वगैरह नहीं, बरोबर छे? और लकड़ा लिए हुए तो बीच में पोल होवे का होवे वो तो मालूम पड़ता है। अच्छा, बीच में से खराब है? हाँ, એટલે કોઈ नजर कैद नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो गुजरात है और गुजरात में तो हीरे की परख करने वाले आदमी है। एक मिनट रुके रुके, आप लकड़ी की और जो है वो पेट की बात बता रहे, तो ये तो गुजरात है, गुजरात में तो हीरा तराशने का काम होता है, सूरत में अपना खूब होता है, तो यहाँ तो लोग हीरे को पहचान लेते हैं। पहचान लेते हैं, वही हीरा नहीं है ने? हीरा तो पहचान लेते है ने? लेकिन वो तो वो लाकड़ा और माल दोनों क्या बात आप खत्म करेंगे? आप ये बताइए कि चुनाव एक तरफा है कि दोनों बराबर का टक्कर है? अरे वो तो दोनों सामने सामने टक्कर में चल रहा है ने? तो ये जो है बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे दो जो है वो स्टूडेंट हैं। आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं? बताइए बताइए। जॉब करते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, वोट कार्ड बना हुआ आपका? हाँ। तो कल वोट डालेंगे? डालेंगे। क्या देख रहे हैं इस बार इधर गुजराती आप लोग, क्या देख रहे हैं? पहली बार के वोटर हैं या दूसरी बार के? तीसरी बार के। आप लोग क्या देख रहे हैं इस बार, नौजवान हैं? भाजप देख रहे हैं कि कांग्रेस देख रहे हैं, बताइए जरा, खुल के बोलिए। बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए। भाजप का चांस है, आपको क्या लग रहा है भाऊ जी? कांग्रेस का चांस है। यही जो है वो गुजरात का चुनाव है और इन सब के बीच में से ही गुजरात के चुनाव की डगर निकलेगी, भाजप की तरफ जाएगी, कांग्रेस की तरफ जाएगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, टीवी में जो चुनाव है, टीवी में जो 150 पार है वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर पग पग पर कोई यहाँ पर भाजप बोल रहा है, कोई कांग्रेस बोल रहा है, बड़ा कांटे का मुकाबला यहाँ पर चल रहा है, बड़ा दिलचस्प है। और यही देखना जरूरी है कि इधर किस तरफ जो है वो पतंग कट रही है, किस तरफ जो है हवा की लहर है, उस तमाम सारी चीज़ें टटोलनी जरूरी है। तो बहरहाल लगातार टटोल कर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वीडियो खूब शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि गुजरात में आखिरकार इस बार क्या होने वाला है, क्या गुजरेगी, किसकी सरकार बनेगी। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।